हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं जस्ट सो के उठी हूँ क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत चेंज हो चुका है। बारिश हो रही है 2 दिन से और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि ठंड लग रही है। और अभी भी हवाएं चल रही है, ये देखो आप लोग मेरे खिड़की से, शायद आप लोग को दिख रहा होगा कि हवा कितनी ज़्यादा चल रही है, ये देखो। तो हवा चल रही है, ये देखो किस तरीके की हवा चल रही है। और ये है मेरा बेडरूम, आप लोग को जैसे भी पता होगा मैं अभी कंबल ओढ़ के ही सोई हुई थी तो उसे मैंने वैसे ही छोड़ दिया, अभी किया नहीं है। अभी शाम हो गई तो शाम को 2-4 बर्तन रहते हैं तो मैंने पहले बर्तन वो वगैरह वो सब धो लिया है क्योंकि ज़्यादा शाम हो जाती है तो धोने की मन नहीं करती, तो ये मेरे इतने ही बर्तन थे तो मैंने इसे धो लिया है। और अभी यहाँ गिर गई है चाय, एक्चुअली में चाय गिर गई थी दोपहर में ही, बट मैं साफ़ नहीं कर पाई थी खाना वगैरह खाने के बाद। मौसम भी इतना अच्छा है तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैंने कंबल ओढ़ के और मैं आराम से सो गई थी, करती तो क्या करती। और दोपहर में वैसे भी कुछ काम नहीं रहता है तो बर्तन वगैरह धोती रहते हैं काम करके, उसके बाद मैं सो गई थी। तो यहाँ बर्तन मैंने रख लिए हैं अपने, बट यहाँ गिरी हुई है चाय मेरे टेबल पे तो इसे साफ करना पड़ेगा। चलो पहले साफ कर लेती हूँ मैं। देखो चाय का क्या हाल हुआ है, चाय किस तरीके से, तो इसे भी साफ करना पड़ेगा। पहले मैं ऐसे ही साफ कर लेती हूँ, उसके बाद यहाँ पानी वगैरह से पोंछ के मैं साफ करूँगी क्योंकि सूखने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से नहीं छूटेगी और अजीब तरह की करेगी, चींटी भी लग जाती है, यहाँ बहुत ज़्यादा चींटी भी है तो साफ कर लेती हूँ। और कैसी लगती है मेरी वीडियो प्लीज़ आप लोग जरूर बताइएगा। ये देखो अच्छे से सूट नहीं हो पा रही है, देखो नीचे भी गिरी हुई है तो जमीन में भी पूरी गिरी हुई है, जिस वजह से मैं साफ कर रही हूँ इसे। ये देखो दीवार का क्या हाल हुआ है, ये देख लो आप लोग, यहाँ पे चाय गिरी और जस्ट नीचे तो करना ही पड़ेगा। चलो तो यहाँ पे मैं एक दो कपड़े हुए वो, और ये तो कंबल है क्योंकि मैं दोपहर में सो गई थी, खाना खाने के बाद ठंडी लग रही थी, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा तो जिस वजह से तो मैं इसे मोड़ के पहले रख दूँगी। शाम को मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ,
और कंबल वगैरह है या कुछ भी इधर उधर है तो वो सब मैं ठीक कर लेती हूँ। और तो इसीलिए मैं एक कंबल तो मैं बेड पे हमेशा रखती ही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी ज़्यादा ही ठंडी लगने लगती है कभी कभी। और यहाँ कनक के एक दो कपड़े हैं, कपड़े भी नहीं सूख रहे अच्छे से, तो जो सूख गए हैं मैं उन्हें रख देती हूँ तह लगा के, क्योंकि कपड़े सच में नहीं सूख रहे हैं। एक कपड़े 2-3 दिन में पतले पतले कपड़े सूख रहे हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो आप लोग बताइएगा ज़रूर। और अभी रात हो गई है तो हम लोग खाना पीना खाएंगे, फिर जाके मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे और मुझे आगे बढ़ाइए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में।